नमस्कार दोस्तों, फोर डिवाइन में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही टेस्टी एक अंडा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार अंडा कड़ी बना के जरूर देखिएगा, ये खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी देखिए, पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 5 उबले हुए अंडे। अंडे आप अपनी जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप करके, और 1 मीडियम साइज के टमाटर। टमाटर और प्याज को एक साथ हम पेस्ट बना लेंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल, और तेल को अच्छे से गर्म करेंगे। अंडे के बीच बीच में हम 3 से 4 कट लगा लेंगे, जिससे मसाले अंदर तक जाए। तेल जब हमारा गर्म हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे अंडे। अंडे डालने के बाद हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे हल्का कलर चेंज हो जाने तक। थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर। बस हल्का कलर चेंज हो जाने तक हम अंडे को फ्राई करेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे हम। अंडा फ्राई हो गया है, आप देख सकते हो हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम अंडे को निकाल लेंगे प्लेट में। इसी तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए, हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी का और 3 छोटी इलायची। साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा। जैसी सभी चीजें अच्छे से फ्राई हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। गैस का फ्लेम हम हाई कर देंगे, और हाई फ्लेम में हम 2-3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। इस तरीके से आप एक बार ये अंडा करी बना के जरूर देखिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही टेस्टी हमारे अंडा करी बन के तैयार होता है। डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे ड्राई मसाले। तो सबसे पहले डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली पाउडर। तीखा अब अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। 1/4 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर। नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार, और 1 मिनट और भूनेंगे हम। जब मसाले अच्छे से हमारा भून जाएगा, तब हम डालेंगे यहाँ पे दही। देखिए मसाले अच्छे से भून गया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे 3 चम्मच दही। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे हम। दही डालने के बाद हम 2 मिनट और भूनेंगे अच्छे से, जब तक साइड से तेल अलग ना दिखने लगे। मसाले अच्छे से भून गए, अब देख सकते हो पूरी तरीके से ड्राई हो गया है। अब हम डालेंगे यहाँ पे पानी। तो करीब हम डालेंगे 1 कप पानी। एक बार हम मिलाएंगे, और पहले हम ग्रेवी में एक बॉईल आने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे अंडे।
डालेंगे हम आधा चम्मच गरम मसाला, साथ ही डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा क्रश करके। देखिए ग्रेवी में बॉईल आ चुका है, अब हम फ्राई किए हुए अंडे डाल देंगे। 3 से 4 मिनट हम मीडियम फ्लेम में अंडे को पकाएंगे। एक बार मिक्स करके हम पैन को कवर कर देंगे 3-4 मिनट के लिए और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 3-4 मिनट के लिए हम ढक देंगे और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 4 मिनट बाद डालेंगे हम ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया डालने के बाद हम खोल के अंडा करी को 1 मिनट और पकाएंगे और ग्रेवी आप अपने हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो जैसे आपको पसंद हो। बस खोल के हम 1 मिनट और पकाएंगे। एक मिनट बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अंडा करी बनके हमारा तैयार है। हम इसे सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप अंडा करी एक बार बनाइएगा जरूर। ये देख के जितना टेस्टी लग रहा है लेकिन मानिए ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने कितने इजी तरीके से आज हमने अंडा करी बनाया। तो इस तरीके से आप एक बार जरूर बनाइएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज की रेसिपी बनाइए खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।